हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, रेलवे एएलपी की सीबीटी थर्ड यानी सहायकों की परीक्षा में 10 मई 2019 को कुछ कैंडिडेट्स को कुछ सेंटर पे प्रॉब्लम आई थी, उसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस आई है जिसमें आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, जहाँ पे लिंक एक्टिव हो गया है। 17 मई की लास्ट डेट है। कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे करना है आपको और नोटिस क्या आई है। सबसे पहले हम आ गए हैं आरआरबी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे दो नोटिसेस दिख रही हैं दोस्तों। पहली नोटिस है, नोटिस टू द कैंडिडेट अफेक्टेड बाय इमेज नॉट विजिबल ड्यूरिंग सीबीएटी। 10 मई 2019 को सीबीएटी के दौरान इमेज नहीं दिखा कुछ कैंडिडेट्स को, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आई है और उसी नोटिस के संदर्भ में अपना रिप्रेजेंटेशन जमा करने की लिंक यहाँ पे एक्टिव हुई है। तो कैसे आपको क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको नोटिस दिखा देता हूँ कि इस नोटिस में कहा क्या गया है। अब देखिए, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, और इसमें ये लिखा हुआ है कि जब टेस्ट बैटरी 4 या 5 वो अटेंड कर रहे थे कुछ कैंडिडेट्स कुछ सेंटर पे 10/5/2019 को, उस टाइम पे ये पाया गया कि जो इमेजेस थी वो कुछ जगहों पे कुछ सेंटर पे नहीं दिखाई दी इमीडिएटली आफ्टर द, और उसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन ईमेल के द्वारा आरआरबी की ऑफिस को भेज दिया। मतलब जिनको प्रॉब्लम हुई उन्होंने क्या किया, ईमेल के द्वारा। यहाँ पे देखिए साफ लिखा है, मैनी ऑफ दीज कैंडिडेट्स हैव बीन गिविंग देयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज नॉट विजिबल इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीबीएटी। कुछ कैंडिडेट्स ने तुरंत जैसे सीबीएटी कंप्लीट हुआ उन्होंने ईमेल करके बताया कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। हाउएवर इन फ्यू सेंटर्स दो कैंडिडेट्स हाईलाइटेड द इशू रिप्रेजेंटेशन, हालांकि कुछ कैंडिडेट ने दिया है बट कह रहे हैं कि उसकी जांच हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में लिखे हैं, इन्होंने लिखा है कि दीज कैंडिडेट्स आर बीइंग स्क्रूटनाइज्ड, कि हाँ इनकी जांच की जा रही है और वैलिडेट किया जा रहा है इसको कि क्या ऐसे कैंडिडेट्स का रिप्रेजेंटेशन वास्तव में सही है। फिर कह रहे हैं कि चूंकि कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी, कुछ लोगों के ही ईमेल हमको आए हैं, तो अगले पैराग्राफ में करते हैं, फर्दर दोज कैंडिडेट्स हु आर अफेक्टेड ड्यू टू इमेज नॉट विजिबल। कह रहे हैं कि आगे चल करके ऐसे कैंडिडेट्स जिनको इमेज नहीं दिखाई दिया और उन्होंने किसी तरीके का अपना ईमेल नहीं भेजा 13 मई 2019 तक, तो उनके लिए हम एक लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी 10 मई की परीक्षा के दौरान। फिर कह रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन आप सबमिट करेंगे शाम के 5 बजे 15/5/2019 यानी आज के शाम 5 बजे से लेकर के 17/5/2019 को 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक की सुविधा रहेगी, यानी 2 दिन का टाइम आपके पास में अभी भी बचा हुआ है और उसमें जाकर के आपको रिप्रेजेंटेशन कर देना है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ऑल्सो कैंडिडेट्स आर वार्ड अगेंस्ट मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। आपको गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, इस गलती से बचिएगा। एंड आरआरबी रिजर्व्स द राइट टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट सच फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस। गलती मत करिएगा रिप्रेजेंटेशन सेंड करने में, नहीं तो आपके खिलाफ वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो जो आपको प्रॉब्लम हुई है सिर्फ वही लिख करके भेजिएगा। Also candidates may note that for the rescheduled candidates the aptitude test attended by them on the field will be treated as cancelled। जिन कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई है सीबीएटी के दौरान 10 मई 2019 को, उनका ये जो सीबीएटी था उनके सीबीएटी को कैंसिल मान लिया जाएगा। बहरहाल आपको अभी रिप्रेजेंटेशन भेजनी है। फिर लिखा हुआ है, ऑल द रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड थ्रू द लिंक विल बी रिव्यूड बाय आरआरबीज। जो भी आप रिप्रेजेंटेशन भेजोगे सभी लोगों के रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे, एंड ओनली दोज कैंडिडेट्स हु वर जेन्युइनली और लाइकली टू हैव बीन अफेक्टेड विल बी रीशेड्यूल्ड ऑन 21/5/2019। करें कि जिनका रिप्रेजेंटेशन सही पाया जाएगा, माना जाएगा कि हाँ इनको वास्तव में प्रॉब्लम हुई है, 21 मई 2019 को उनकी परीक्षा होगी जिसके लिए ई कॉल लेटर डाउनलोड किया जा सकेगा 18 मई 2019 से, और ये परीक्षा 21 तारीख को होगी 3 बजे से, शाम के 3 बजे से 21 मई 2019 को परीक्षा होगी। फिर लिखा है, द कैंडिडेट्स रीशेड्यूल्ड विल आल्सो बी एडवाइज्ड थ्रू ईमेल एज वेल एज एसएमएस टू डाउनलोड देयर
ई कॉल लेटर, जिन कैंडिडेट्स का रीशेड्यूल हुआ है उनको ये लोग मैसेज और ईमेल, मतलब एसएमएस और ईमेल दोनों के माध्यम से ई कॉल लेटर के बारे में सूचना ये प्रोवाइड करेंगे। ये 15 मई 2019 को नोटिस आई है। अब आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे सबमिट करना है अपने रिप्रेजेंटेशन को, तो आइए वो देख लेते हैं। तो उसके लिए फिर से आपको आरआरबी की वेबसाइट पे वापस जाना होगा और यहाँ पे पहली जगह पे लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा कैंडिडेट के लॉगिन का। देखिए ये कैंडिडेट लॉगिन का विंडो ओपन हो गया है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो आप पढ़ लीजिए, लॉगिन हियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑन द इमेज नॉट विजिबल इशू। जो इमेज जिनको नहीं दिखा था उनके लिए यहाँ पे लॉगिन करने की विंडो ओपन हुई है 10 तारीख के एप्टीट्यूड टेस्ट में जिनको प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन करेंगे आपके डिटेल्स पूछेगा और उसमें एक काम करिएगा कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने से बचिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, तो ये काम जल्दी से जल्दी कर लीजिए क्योंकि हो सकता है वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।